इसराइल और हमास से शुरू हुई जंग बढ़ते बढ़ते इसराइल और लेबनान तक पहुंच गई। इस बीच अब एक और खूंखार किरदार इसराइल से भिड़ने के लिए जंग में कूद पड़ा है, जिसने अब धीरे धीरे इसराइल को चुनौती पेश करना शुरू कर दी है। अब तक इसराइल को अप्रत्यक्ष तरीके से डराने वाला समूह अब खुलेआम धमकी देने और इसराइल में घुसकर हमला करने लगा है। इस संगठन का नाम है ईरान समर्थित यमन के हूती विद्रोही, जिन्होंने इसराइल की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अब तक समंदर से गुजरने वाले जहाजों पर ही हमला कर मुसीबतें बढ़ाने वाले हूती विद्रोही ने अब सीधे सीधे इसराइल पर हमले करने शुरू कर दिए हैं। इसराइली राजधानी तेल अविव पर हूती के हमले करने के बाद इसराइल ने एयर स्ट्राइक कर यमन के होदेदा में पावर स्टेशन और ऑयल रिफाइनरी को आग के हवाले कर दिया, जिसमें 3 लोगों की मौत और 87 लोगों के घायल होने की खबर है। जिसके बाद हूती ने इसराइल को अंजाम भुगतने की धमकी दी थी और उसी क्रम में यमनी आर्म फोर्स ने 2 घातक ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। हूतियों ने पहले इसराइली कब्जे वाले इलत शहर को निशाना बनाकर हमला किया, तो वहीं दूसरा हमला लाल सागर में एक अमेरिकी जहाज को निशाना बनाया। استهدفت اهدافا مهمه في منطقه ام الرشراج جنوبيه فلسطين المحتله وذلك بعدد من الصواريخ البالستيه وحققت اهدافها بنجاح بفضل الله فيما نفذت القوات البحريه وسلاح الجو المسير والقوه الصاروخيه في القوات المسلحه اليمنيه عملية عسكرية مشتركة استهدفت سفينة بومبا الأمريكية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة وقد أدت العملية إلى إصابة السفينة بشكل مباشر بفضل الله تؤكد القوات المسلحة اليمنية حقها الكامل في الدفاع عن اليمن العزيز ضد العدوان الأمريكي البريطاني وكذلك ضد العدوان الإسرائيلي وأن هذا العدوان لن يثني اليمن العظيم عن موقفه الثابت تجاه مظلومية الشعب الفلسطيني وتؤكد القوات المسلحة اليمنية हूतियों के इजराइल पर किए गए हालिया हमले को लेकर IDF ने बताया कि लंबी दूरी को एरो 3 डिफेंस सिस्टम ने 21 जुलाई 2024 की सुबह यमन से लॉन्च किए गए इजराइल की ओर दागी गई एक बैलिस्टिक मिसाइल को रोक दिया। बताते चले कि इसराइल के एरो 3 डिफेंस सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइलों को एयर स्पेस से बाहर ही मार गिराने की ताकत रखते हैं और मिसाइल के टुकड़े गिरने की आशंका के बीच इसराइल के सबसे दक्षिणी शहर इलट में सायरन बजने लगे। IDF के ताजा आंकड़ों की माने तो पिछले 9 महीनों में हूतियों ने इसराइल पर 220 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं। दावा किया जाता है कि तेल अविव पर हमले से पहले तक इसराइल ने हूतियों के हवाई हमलों का कोई जवाब नहीं दिया था। ऐसे में साफ है कि यमन और इसराइल के बीच की तकरार अब और बढ़ गई है। दोनों देश एक दूसरे पर खुलेआम हमले करने लगे हैं। एक दूसरे पर किए गए ताजा हमलों ने आग में घी डालने का काम किया है। हूतियों के हमले से बौखला इसराइल ने 48 घंटे के भीतर यमन के होदेदा पोर्ट पर तबाही मचा दी। इस पर हूती समूह ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसराइली ठिकानों पर हमला करने की धमकी दे डाली। ऐसे में वार पलटवार का नए सिरे से सिलसिला शुरू होने की आशंका शुरू हो गई है। हूती लड़ाकों ने साफ किया है कि यमनी लोग इसराइल के साथ एक लंबे युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में दोनों देशों का टकराव युद्ध की ओर धकेलता हुआ नजर आ रहा है।